This call has been brought to you by Tare Social, a recreation center for seniors. To introduce Dr. Prem Narasimhan, he is basically an elder care specialist based in Jaslok Hospital. The Dr. Prem Narasimhan hai senior citizens ke specialist hai aur Jaslok Hospital mein kaam karte hain. This call will be basically on the physical and mental aspect of COVID-19 on the elderly. And I will obviously try to mix both maybe English and Hindi as well. So today I'm going to talk about, as you already know, there is a current crisis, COVID-19 ki jo chal rahi hai. To buzurgon mein uska kya asar hoga? To uske bare mein hum thoda baat karte hain. Usse pehle main ye kehna chahunga ki thank you sabke liye ki jo aap aaye aur sun rahe hain. थोड़ी चीजें हैं जो बुजुर्गों में रहती है, जैसे उम्र के साथ साथ जो इम्यूनिटी रहती है वो कम होती है और थोड़ा जो बॉडी रिजर्व जिसको कहते हैं वो भी कम होता है, और उसके साथ साथ हमें जब काफी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अगर डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, छाती की बीमारी हो, तो COVID-19 की भी दिक्कत उसके साथ बढ़ने का चांस रहता है. इसीलिए थोड़ी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और थोड़ी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो उससे मैं शुरुआत करूंगा जो बुजुर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज स्टे एट होम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड विजिटर्स एट होम. अगर मीटिंग इंपॉर्टेंट है तो फिर 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर रखिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एंड फेस एट रेगुलर इंटरवल्स विद सोप एंड वाटर. फिर अगर खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आपके एल्बो में या टिश्यू पेपर या हैंडकरचिफ में कीजिए, और खांसने और छींकने के बाद यू हैव टू थ्रो ऑफ द टिश्यू पेपर एंड प्लीज वॉश योर हैंडकरचिफ. बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए कि आप खाना अच्छे से खाएं, घर पे फ्रेश जो फूड है, गर्म है, पानी अच्छे से पिए, फ्रेश जूसेस लें, एंड ट्राई टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इफ एट ऑल देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट लाइक विटामिन सी एंड ऑल विच यू कैन टेक. फिर जितना आपसे होता है एक्सरसाइज और मेडिटेट कीजिए, जो आपको मेंटल और फिजिकल सेटिस्फेक्शन दोनों देगा. प्लीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो बीमारियां ऑलरेडी हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी दवाइयां आपको चल रही होंगी तो वो समय पे लीजिए. फिर जो भी आपके जो घर से साफ सफाई है वो क्लीन अच्छे से कीजिए. आप नहीं कर पाते जो आपके साथ है उनको बोलिए कि जरूर क्लीन करना है. और बहुत ही लाजमी है कि आपका जो हेल्थ है उसको मॉनिटर कीजिए. अगर आपको खांसी होती है, बुखार होता है, तो आपके जो नियरेस्ट हेल्थ वर्कर हैं या जो आपके जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको मेडिकल एडवाइस मिल सके. चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है कि खांसना छींकना हाथ में, और फिर चेहरा आपको नहीं कवर करना. फिर अगर किसी को बुखार है, खांसी है, तो जरूरी नहीं उनके पास. बिकॉज इन दिस पीरियड अनफॉर्चुनेटली फॉर द गुड ऑफ ऑल ऑफ अस वी आर ट्राइंग टू डू isolation, which is obviously for the best. But it affects a lot of routine things that older people do. That's why it is very important कि इस टाइम पे आप अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताइए और अपने आपको टेक केयर कीजिए. तो उसके लिए थोड़े नुस्खे मैं आपको बताऊंगा. अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो पूरा टाइम उनके साथ बिताइए, चाहे डिस्कशन में है, घर पे रहिए, बात कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कम होता है. अगर आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप फोन कॉल या वीडियो के थ्रू उनको कांटेक्ट कीजिए ताकि एक संपर्क बने रहे. फिर जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें आप इन्वॉल्व रहिए ताकि आप बोर नहीं हो. बहुत कुछ भी हो सकता है, चाहे कुकिंग हो, क्लीनिंग हो. अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आपकी जो एंग्जाइटी है उसको कम करने के लिए हेल्प करेगा. अगर फैमिली मेंबर आपके पास नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके सपोर्ट सिस्टम कौन है, जो आपके लिए ऑफकोर्स ग्रोसरीज अगर हो, मेडिसिन हो, वो सब चीजें लेके आ सकता हूँ. फिर बोलते हैं ना, ये टाइम है कि आप वैसी चीजें कीजिए जो आपके रिक्रिएशन में हेल्प करता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जो आपको पता है गाना गाना कीजिए, पजल्स करना है कीजिए, बोर्ड गेम खेलना है खेलिए, रीडिंग करना है कीजिए. क्योंकि क्या है, हमारे पास समय है और बहुत सारे लोग एक्टिव हैं पर बाहर नहीं जा पा रहे, तो ये बोर्डम कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. फिर प्लीज कनेक्ट टू लवेड वन, जो आपके लवेड वन, चाहे वो आपके चिल्ड्रन है, चाहे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके साथ भी कीजिए. अभी याद रखिए उनके पास भी और टाइम है, वो भी आपको ज्यादा टाइम दे पाएंगे, और ताकि कुछ भी उनको भी आपके हेल्थ के बारे में टेंशन ना हो और आपको भी टेंशन ना हो कि वो कैसे है.
फिर थोड़ा सा जो फिजिकल एक्सरसाइज रहता है वो अच्छा ही रहता है, उसके लिए टाइम बनाइए। योगा अगर आप कर सकते तो कीजिए, अंदर चलिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ना ही आपके शारीरिक पर आपके मानसिक हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज मैं बोलने वाला वो है कि ये जो न्यूज सुनना है उसको थोड़ा कम कीजिए। बहुत व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, बहुत न्यूज है इस पैंडेमिक के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको अपसेट ज्यादा करेंगी और बहुत सारी चीजें मिसलीड भी कर सकती हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा रिलायबल सोर्सेस पे ही जाइए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक वेबसाइट है तो उसमें बहुत डिटेल में सब बताया गया है। तो अगर कुछ नॉलेज आपको चाहिए तो वहीं जाइए, क्योंकि जो सोर्सेज है वो रिलायबल होने चाहिए, नहीं तो आपको बस आपका बस टेंशन बढ़ेगा। फिर जो बुजुर्ग के साथ रहते हैं उनके लिए भी मैं बहुत अच्छे से कहूंगा कि अपने बुजुर्गों को टेक केयर कीजिए। और हैंड हाइजीन जो है मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको अच्छे से करना है। फिर हम एज ए जो बुजुर्ग हैं और उनके साथ रहने वाले हैं, वो बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि आप पे हम चेक रख सकते हैं, चाहे आप हमारे नेबर हैं, आप हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मैं एक इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग के बारे में भी बात करना चाहूंगा, जिसमें यंगस्टर्स बुजुर्गों के साथ टाइम बिताते हैं, दोस्त रहते हैं, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन है तो दूसरे लोग हैं, वैसे भी बहुत इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग होती है। फिर वीडियो चैट कॉल पे ताकि जो हम कनेक्टेड रहे अच्छा है। कभी कभी क्या होता है आप हमें शायद मैसेजेस या इसमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। फिर हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि आपका इस टाइम में रूटीन क्या है, आप क्या कर रहे हैं कि जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि क्या है ये सडनली अंतर हो गया है, ये हम सब नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर अभी हो गया है तो हमें उससे लड़ना होगा। फिर आप मेडिकली जो चीजें कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होगी, कम्युनिकेशन कीजिए, कोई नया लैंग्वेज हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप नेट पे भी हैं। और अगर आप नेट पे नहीं ज्यादा जाते तो आपके साथ वाले अगर नेट पे जाते हैं तो उनका हेल्प लेके कीजिए। फिर आपको जब भी मेडिकल एडवाइस सीख करनी है तो जरूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। फिर समय पे चीज खाइए, कोई भी नेसेसिटीज की आपको जरूरत है तो जरूर बताइए आपके चाहने वालों को। और हम आपसे चाहेंगे कि आपका लाइफ में एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो बुजुर्ग है उनको भी एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप हमेशा वल्नरेबल है, आप हैं जो बहुत अपने एक्सपीरियंस से चीजों के तोड़ निकाल सकते हैं, और हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं कि आप ऐसा हमें हेल्प भी कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने बहुत सारे स्ट्रेसेस देखे हैं। तो अपने अंदर ही झांकिए, जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास ही है। मैं मानता हूँ कि जो रूटीन है वो बहुत इफेक्ट हो गया, आप नीचे वॉक जाना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको चिंता होती है कि नहीं मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं रहते हैं तो उनसे मुझे टच में रहना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे को मेंटली मैं बेटर हो सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम टच में नहीं हो पा रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा कम सोचना चाहिए, और फिर जब भी हम टच में हो पाए हमें समझना चाहिए कि नहीं वो ठीक है नहीं है। अगर एक बार हमें मन की वो शांति मिल जाती है तो अच्छे से उसके बारे में सोचना चाहिए। और बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बार बार कहना चाहूंगा, वो ये है कि आपको काम रहना है। दिस इज अ टाइम वेयर द स्ट्रेस लेवल्स कैन इंक्रीज अ लॉट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ COVID-19 बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव बिकम आइसोलेटेड। सडनली आपको सेपरेट घर पे रहने को बोल दिया है, सोसाइटी मतलब इनविजिबल जेल जैसे हो गया जहाँ पे सब खुला होते हुए हम जा नहीं पा रहे हैं, पर आपको काम रहना है क्योंकि जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगे उतना यू विल बी एबल टू टैकल द सिचुएशन वेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ इज प्लीज जो भी मेजर्स है उसको मत भूलिए। बहुत बार मैं कहूंगा आप भी अपने मन में दोहराते रहिए कि आपको अच्छे से हाथ धोना है, बिकॉज अल्टीमेटली वेन वी कीप आवरसेल्फ क्लीन वी आर कीपिंग द वायरस अवे फ्रॉम अस। और दूसरी बात है ये सोशल डिस्टेंसिंग, जितना आपको जाना जरूरी है उतना ही आप बाहर जाइए, अगर नहीं जाने की जरूरत है घर से काम होता है तो प्लीज घर से कीजिए, क्योंकि
the biggest way of avoiding any connection with this COVID-19 for an older person is to stay away from public places. जितना आप नहीं टच में रहेंगे आउटसाइड के सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे उतना आपको टेंशन कम रहेगा. And just to put a bottom line, the key takeaway is very important कि आपके आपके हेल्थ जो है उसको आप हमेशा याद रखिए कि सिर्फ COVID-19 नहीं है, आपके दूसरे जो डिजीजेस हैं, दूसरे जो दवाइयां हैं उसको लेना है. जो नॉर्मली आप हमेशा कर रहे थे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खाना टाइम पे खाइए, पानी पीजिए, जूसेस लेना लीजिए, जो सप्लीमेंट्स ले रहे लीजिए, घर पे जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको कीजिए. एंड आपका जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल हेल्थ है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट वेल द वे आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कभी कभी क्या है, मेंटली हम इतने डाउन हो जाते हैं सिचुएशन के कि हम फिजिकली अपने आप को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा. एंड फाइनली प्लीज बी काम, प्लीज कीप वॉशिंग योर हैंड्स, एंड वी ऑल आर इन दिस टूगेदर, इतना याद रखिए. इसलिए मैं आई एम अवेलेबल फॉर यू, योर लोकल डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर यू, योर फैमिली इज अवेलेबल फॉर यू. प्लीज डोंट कीप थिंग्स इन योर माइंड. इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट मी. I can share my email ID and I also share my phone number. My email ID is nn.prem@gmail.com and my phone number is 8860-799-509. So if you have any queries later also, you can ask. But a question, doctor. Should I, even though my parents live far away from me, I'm very worried about them, should I bring them to my house now? Or should I keep them where they are? They are safe there, but I keep on worrying about them. Should I bring them to my house? No, I would say if they have a अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम अगर उनके पास है वहाँ पे, तो इस टाइम में मैं कहूँगा कि इट वुड बी बेटर दैट कि वो वहाँ रहे. पर अगर आपको लगता है कि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आप हेल्प कर आपके साथ वो बेटर रहेंगे, तो मैं उनको बुला लूंगा. बट मैं इतना बोलूंगा कि जितने कम लोग आसपास हैं उनके इस सिचुएशन में, उतना बेटर रहेगा. एंड यू ऑब्वियसली कैन स्टे इन टच विद देम एंड हेल्प देम फैसिलिटेट ऑल द सर्विसेज, आई मीन इवन इफ यू आर नॉट एबल टू बी देयर फिजिकली. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, माई सोसाइटी इज वेरी बिग. If I want to go in the evening for the walk, can I go for the walk? Nobody is there. I won't speak to anyone. I won't touch anything. And I will keep distance of 1 meter or more than that. So can I go for a walk in the evening? Mom, as of now, I think in most societies, because of the lockdown, it has been said not to walk in public places. Okay. And of course in your society if those norms have been applied, then I would advise you against it, because the thing is, we are all doing this for your good only. And I would say, I mean, depending on the space in your house, try to walk there or just outside your house. But it would be not advisable to go into public. I can understand you will be saying koi hai nahi. But then that is because we have obviously stringently put these norms in any bar, jana. I mean, you have to avoid the things entirely. Because घर में चलने से कुछ नहीं होता है, इतना भी राउंड लगाओ, वो जो बाहर का जो वॉक है नहीं, वो completely different than whatever it is. वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, but then what I would say is कि let us just fight through this brief time, because this is not going to happen forever. Once we are able to arrest everything, obviously we'll be able to get back to some kind of normalcy. Yes, but don't stop walking. घर पे भी आपको लगता है फायदा नहीं होता, stop मत कीजिए, continue walking. Whenever the lockdown is over, yeah, how safe it would be, and how can we say when the people go out, there will not be carriers around. Ma'am, that is unfortunately very difficult for me to say also. But what I would want to say is, ultimately this lockdown has been done purely because there is less contact and there is less chance of spread. And ultimately when we come out of it, obviously the more we test,
the more we will obviously be able to know that who are positive. And that's why if you see the number of cases that are increasing now are because more people are testing. Yeah, but will it be advisable to go slow, to go out after the lockdown, not to go out? I would say that because we don't know, even the maids coming into the house, even the workers coming into the house, we don't know from where they are coming. They usually come from very crowded areas. And how many would be the carriers? So how slow we should go, that would be advisable. I would say it would obviously be advisable to go slowly. Try to manage what you can yourself. And then once, of course, we try to tend to create a normalcy and we know that the number of cases are down, we know that more people have been identified, then of course things will get... See, the biggest problem here now is that it will take time to get normal. So we can't really predict what is going to happen. But the government is doing everything possible. So I think we should stick to the guidelines they have given. Doctor, I think this is a very important point. If you could also, again in Hindi, mention the fact that agar ye jab lockdown jab bandi ho jayega uske baad senior citizens ko kya karna chahiye, un log ko kaise handle karna chahiye jab lockdown bhi kam ho jayega tab bhi. Agar aap Hindi mein kaha to main important hai. Haan, main itna kehna chahunga ki cheeze jab normal होने लगेगी तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. तो आप अपने आप को समय दीजिए, हर चीज स्लोली कीजिए. मतलब चाहे अगर वो चाहे दूसरों पे डिपेंड करना हो, चाहे दूसरे वर्कर्स को इन्वॉल्व करना हो. क्योंकि क्या है कि जब हमें पता लग जाता है कि मतलब गवर्नमेंट भी हमको बता ही रही है, सब टिप्स भी दे ही रहे हैं कि जब ये जो भी बीमारी का प्रकोप है वो कम हो जाता है, इसी टाइम में सब चीजें नॉर्मल में जाएंगी. पर मैं इतना कहूंगा कि ये जो भी अभी लॉकडाउन दिया गया है वो बिल्कुल अच्छे के लिए हमारे, और जो भी गवर्नमेंट हमको बता रहा है वो हमें अभी फॉलो करके जाना चाहिए और फिर आगे देखें. Little bit of compound. Is it? Yeah. And nobody is allowed to get into the colony at all in the complex. Is it very, very bad to be able to go down and have a walk or something? I would still say, as far as the guidelines are, it's best to avoid now. I know it has been, everything has been sort of, the building must be cut off. Because wherever we all are staying, societies, everything is cut off. But still, nobody is coming down. Because as of now, at least for this time, at least for this lockdown period, we are very well expected as responsible citizens to not do it. But purely because we have to be safe than sorry. That is the only thing. Right. Yeah. बोल रहे हैं कि एक बार वायरस हमको ऐसा लगेगा कि चला गया है. Now everything is normal. But they are expecting कि आ सकता है. There are lot of carriers ऐसा जो अभी किसी ने पूछा, तो ऐसा भी हो सकता है. तो that is the views of big experts. They are saying कि ये फिर से वापस कुछ हो सकता है. नहीं सर, तो मैं तो कहूंगा कि इस पीरियड में ही हम सोच रहे हैं. ये जो सडनली हैंड वॉश की बात चल रही है सर, तो ये तो ऐसी चीज है जो नॉर्मली भी हमें करना ही है. इस पीरियड में ये सब हाईलाइट हो रहा है. आई एम वेरी श्योर कि हमें मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हो या हमारे साथ वाले हो, एवरीबडी हैज ऑलवेज इंकल्केटेड कि हमको बताया गया कि ये करना ही है. तो बेसिक हाइजीन तो हम हमेशा से कर रहे हैं. तो ये ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर जो वायरस है उसका स्प्रेड वैसे होता है. तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब नॉर्मल चीजें आ जाती है तो हमें प्रिकॉशन जो हम नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मल चीजें जो कर रहे हैं वो हमें करना ही है. वी हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ आवर हेल्थ. हम हमेशा स्वास्थ्य का लेते ही है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खाने पीते खाते हैं. तो वो सब चीजें बिल्कुल कंटिन्यू होगी. तो आप ये इसलिए मैंने जब पहले बोला, मैं इतना भी बोल रहा था कि हमारा फोकस कोविड की तरफ अभी चला गया है, पर जो बीमारियां हैं हमारी, जो दवाइयां हैं हमारी, जो नॉर्मल रूटीन हमें करना है,
जो अपने स्वास्थ्य का हमें टेक केयर करना है उसको हमें खत्म नहीं करना है. वी हैव टू कंटिन्यू टू डू दैट इवन वेन एवरीथिंग इज ओवर. सो दैट वुड बी द बेस्ट वे. मैं बोलूंगा दैट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग दैट फियर. और बाकी जहां तक करियर की सवाल है वो तो सर विद टेस्टिंग हम बोल पाएंगे. जितने ज्यादा लोग टेस्ट होंगे उतने ज्यादा हमें पॉजिटिव पता लगेंगे. इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग राइट. हाँ सी अल्टीमेटली वी वॉन्ट देर आर लीगल गाइडलाइंस जो है बिल्कुल ही मतलब ऑफिशियली जो प्रमाणित है उसके से ही हमें बताया गया. तो वन द नॉर्मल सी कम्स इन ऑब्वियसली मैं इतना बोलूंगा कि मेंटल हमें उस टाइम में लगेगा कि वेन वी शुड डू इट थिंग बट दे विल गेट बैक टू नॉर्मल एंड यू हैव टू वेट फॉर ऑफिशियल डायरेक्टिव बिकॉज ये बहुत ही अगर पीपल आर वर्किंग ओवर टाइम ऑन मेकिंग दीज गाइडलाइंस तो वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट. Doctor, let me ask another question. What happens if I suddenly fall sick? If I'm worried about either that I have coronavirus or I have other diseases, who should I call? Should I call the hospital? Should I call my GP? किससे बात करूँ मैं अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो? नहीं तो आप होते हैं तो please आपके लिए immediate point of contact जो physician है या doctor है, इनको आप please contact कीजिए. और फिर आगे की कार्रवाई जैसे आपके सिम्टम्स है वो जरूर होंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर आप सिक हैं तो सेल्फ नुस्खे और वो चीजें करने की जरूरत नहीं है. प्लीज आप अपने जो डॉक्टर हैं उनको कांटेक्ट कीजिए और उनके संपर्क में आने के बाद वो आपको पूरे प्रोसीजर से आपको जैसे सिम्टम्स है वो जरूर आपको हेल्प करेंगे. पर कुछ छुपाइए मत, कुछ मन में मत रखे कि नहीं ये बस खुद ही ठीक हो जाएगा. इस टाइम में वैसा नहीं करना बेहतर हो. हेलो यस यस सो माय पेरेंट्स आर बोथ इन मिड 80s. आई डू नॉट मूव विद देम. आई लिव इन बांद्रा एंड आई लिव इन लिटिल प्लेस. I do speak to them 2 or 3 times a day. How can I keep them mentally and physically engaged so they don't, you know, get bored or they don't slip? Yeah, I would. I mean, if at all they already have some hobbies, then you should encourage them to do that. Right. If they don't, then you should more and more, even when you are doing a video call, I mean, just discuss anything which you feel that they would obviously be interested in. See, the fact that you are talking to them video twice to time daily must be taking care of most of the things. Yeah. Because what happens is the fact that they can see you and they know that obviously you care, that itself half of the battle is won. But for them to obviously in the time which you are not able to talk, I would encourage them. See, there are the good part. One thing that has been taken away from certain older people is the joy of reading newspapers. Yeah. So I would say that as a person, if you are, so this time mein aap nahi baat kar sakte unse. This time mein, of course, main unko bolunga ki, if they like movies, then they should see that music. तो उसमें अगर puzzles करना चाहेंगे तो आप जब बात करते हैं इस टाइम में आपको गेम. Then if they have any sort of ideation towards meditation, towards religion, towards books, then that actually increases. So मैं newspaper की बात कर रहा था. अगर थोड़े भी वो net study है खुद अगर नहीं download भी कर पाते तो जो soft copies आ रहे हैं I would advise you कि at least उनको भेज दीजिए. क्योंकि the joy of reading a newspaper that way is, to be very frank, I have seen even my own family, everybody prefers that way. But then I know most of the older people that I have met, they read everything in the paper from start to finish. So in this time, unfortunately, it is taken away. But I still see that the online platform of newspapers there is still good because they will stay connected. They would still have the joy of knowing it. Then going into websites and actually, मतलब website में जाने के बाद actually click करके देखना शायद सब लोग नहीं कर पाए. तो मैं ये वो बोलूंगा कि आप उसको फैसिलिटेट कर देंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर हैप्पियर. देन कुछ भी हॉबी जो उनको ऑलरेडी पसंद है और आपको लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से तो उसको एंकरेज कीजिए कि वो करें.
बोर्डम सेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे जो नॉर्मल सोशल चीजें वो कर पा रहे थे वो नहीं कर रहे. देन अनदर आइडिया ऑफ कोर्स इज दैट इफ यू कैन गेट इन टच विद देयर फ्रेंड्स, अगर उनके दोस्तों से टच में आ सकते हैं और उनको व्हाट्सएप कॉलिंग में या इसमें साथ में लाके आप वीडियो करवा सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली आपको सब ग्रुप, अगर आप बात भी नहीं करते हैं तो आप अगर मिला भी देते हैं तो एटलीस्ट दे विल बी, वो जो पार्क में या जो नीचे जाके बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट वीडियो के थ्रू हो जाएगा और वो जान भी सकते कि नहीं उनके फ्रेंड्स ठीक है एंड व्हाट दे आर डूइंग. सो एटलीस्ट दैट अपडेट विल बी देयर, सो देयर इज नो डिस्कनेक्ट. ओके, सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. नो, that's actually a very good idea by doctor. You know, one of the things that that I remember somebody telling me is that the children should actually give 4 to 5 numbers to their parents and tell them, see, these are your old relatives, you've not spoken to them for a long time, these are your friends, you've not spoken to some to these people, they are also bored, please call them up today and give them those little minor tasks, please call up these people and talk to them. It will keep both sides happy, which is a good thing. So that's one more thing. And a lot of people are even doing that. The fact that they are not going out doesn't matter. If they are able to maintain the same routine, because ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मतलब सब कुछ ही बदल दे, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत कुछ बदल रहा है. So we shouldn't try to change what is happening inside. So at least वो routine maintain होगा तो बहुत अच्छा होगा. And very right, आपने वो point बिल्कुल सही बोला. अच्छी करने के लिए अच्छा इम्यूनिटी. हाँ ठीक है ठीक है. नहीं मुझे फर्स्ट वर्ड बिल्कुल समझ में नहीं आया, सुनना ही नहीं दिया था. अरे मुझे सुनाई चाहता था कि रोग प्रतिकारक शक्ति. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो आप भी मुझे समझ गया. हाँ तो बेसिकली क्या होता है, इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए एक तो है कि आपका जो नॉर्मल चीजें हैं जो नॉर्मल है उसका टेक केयर कीजिए. बिकॉज इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो सडनली नहीं बढ़ती है, वो सालों से आपकी जो इम्यूनिटी है वो रहते हैं. और उम्र के साथ साथ कहूंगा कि हेल्दी जो भी आप खा सकते हैं फिलहाल वो आपको खाना है, स्पेशली घर का खाना खाइए, तो फूड खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी आप ले रहे हैं उसको अच्छे से धोइए, क्योंकि धो के खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड फॉर अ लॉट ऑफ विटामिन विच विल ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी. देन आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू कि जो आपका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज भी अच्छे से कीजिए, बिकॉज दीज आर ऑल थिंग्स विच विल sort of on the long term also help. मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचना है. ये चीज जो है, ये टाइम जो है, ये पास होगा, बट अल्टीमेटली वॉट वी नीड टू थिंक इज वी नीड टू थिंक अहेड की हमेशा ही हम अपने आप को अच्छे से टेक केयर करें. तो मैं यही कहना चाहूंगा हेल्थ वाइज जो आप नॉर्मली हमेशा कर रहे थे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम try to take these precautions and try to do the best. हमारे घर में 6 मेंबर है. मैं सबका टेम्परेचर चेक किया था तो 98 के अंदर ही आ रहा है. एक्चुअली में ये जो कोरोना का जो है वो सर कितना टेम्परेचर पे ऐसा कोरोना ये होता है कि भाई सर बात टेम्परेचर के लिए, बात फीवर का जो नॉर्मल रहता है अगर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है तो हाँ. और उसके साथ सिम्टम नहीं रहती, अगर आपको सिर्फ अगर आपको बुखार खांसी सांस फूलना गले में खराश बहुत ज्यादा है तो क्योंकि ऐसा बोलेंगे कि इस फीवर का ये मतलब ये टेम्परेचर का ये हो जाएगा नहीं. फीवर जो होता है वो तो कोई भी बीमारी में होता है, आप सिर्फ फीवर के इसमें मत जाइए कि नहीं फीवर रहेगा तो वो कोरोना ही रहेगा. पर हाई फीवर हो रहा है और फिर उसके साथ साथ दूसरी चीजें जैसे 2-3 चीजें मैंने बोली खांसी है, सांस फूल रहा है और गले में खराश है और वो बहुत ज्यादा दिन के लिए रहती है, तब हमें आगे जाके उसके बारे में सोचना चाहिए. और हमेशा लोकल डॉक्टर जो आपको देख रहे हैं उनके टच में आप रहिए, कुछ भी आपको लगता है तो. ओके सर, आपने बोले हाई फीवर, तो हाई फीवर यानी कितना डिग्री का फीवर? देखिए एनीथिंग अबाउट 100-101 उसको तो हम हाई फीवर बोलते हैं. पर बुजुर्गों में हमेशा कभी कभी फीवर नहीं होता. इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ.
So as far as the list is concerned of hospitals and all, the ministry site will be helpful. The site is Ministry of Health and Family Welfare, MOHFW, and it is very clearly having a separate corona section wherein it gives a lot of knowledge which is pertaining to, please read only which is pertaining to general public, because it has knowledge for doctors as well. Please don't get into that. It is only going to, matlab, wo aapko sirf aur darayega. Please, jaane ke pehle main itna hi bolna chahunga ki please keep calm, shant rahiye. Ye time pass ho jayega, par jitna man mein aap shant rahenge, utna physically bhi fit rahenge.